शिमला के संजोली में हालात उस वक्त तनावपूर्ण बन गए जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। मांग थी कि इस मस्जिद को डिमोलाइज किया जाए, चूंकि अवैध इसे निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद अवैध रूप से बनी है और इसीलिए प्रशासन को यहां पर तुरंत आधे घंटे का यही काम है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर इसे डिमोलाइज किया जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि धारा 163 लगाई गई है, यानी कि यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। परमिशन नहीं दी गई थी प्रदर्शनकारियों को। परमिशन के बावजूद यहाँ पर जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, हंगामा खड़ा हो गया। कई ऐसी बार स्थिति हुई कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा तक लेना पड़ा है। 1, 2, 3 बैरिकेड्स को तोड़ के जब भीड़ आगे बढ़ने लगी, उग्र होने लगी, तो उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, यानी आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और इसके बावजूद जब आगे लगातार भीड़ बढ़ रही थी तो कई बार ऐसी स्थिति आई कि पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए। दरअसल कोई पहला मौका नहीं है जब वहाँ पर आक्रोश जाहिर किया गया हो प्रदर्शनकारी की तरफ से, लोकलाइट्स की तरफ से। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन आखिरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, आखिरकार ये हालात क्यों बने हुए हैं। शिमला के संजोली को लेकर आपको ये पूरी स्टोरी बताते हैं और इसके पीछे का असल कारण बताते हैं। दरअसल 30 अगस्त का वो दिन था जब एक शख्स के साथ यहाँ पर मारपीट हुई। 6 आरोपी थे जिसमें 5 आरोपी यूपी के बताए गए और 1 उत्तराखंड का बताया गया। खबर ये मिली कि इन तीनों ने मस्जिद में जाकर अपने आप को छुपाया है। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो उसके बाद लोगों का कहना था कि ये जो मस्जिद है ये अवैध रूप से बनाई गई है, इसीलिए डिमोलाइज किया जाना चाहिए। लगातार ये मांग बढ़ती गई और ये मांग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सड़क से लेकर सदन तक ये मामला उठा। संग्राम वहाँ पर भी देखने को मिला। खुद सुक्खू सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो प्रदर्शन हुआ था ये बिल्कुल सही है और ये जो ज़मीन है वो सरकार की है और इस पर ये मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा ये अवैध है। उन्होंने कहा कि वाकई कार्रवाई होगी, ये आश्वासन भी दिया गया। ये कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये अवैध है तो कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को सरकार नहीं समझ पा रही है। चूंकि ये मामला किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये जो मामला है जन भावनाओं से जुड़ा है। अब देखिए, अब आप समझना होगा कि आखिरकार ये मामला इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्यों लोगों के अंदर गुस्सा है। ये सिर्फ मामला अवैध मस्जिद या अवैध निर्माण तक नहीं है, दरअसल ये मामला घुसपैठियों तक है। चूंकि खुद कैबिनेट मंत्री इस बात को अनिरुद्ध सिंह स्वीकार कर चुके हैं कि कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहा है और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एक वेंडर नीति को लाने की भी यहाँ पर मांग रखी गई थी विपक्ष की तरफ से, जिसपे खुद कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हम नई नीति लेकर आएंगे ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी पहचान हो सके, उनका रजिस्ट्रेशन हो, सत्यापन हो सके, अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। और दरअसल वहाँ जो आसपास के लोग हैं जो शिमला में संजोली में रहते हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ हमें शक तब हुआ जब वहाँ पर जो लोग थे जिनको ये काम जिम्मा सौंपा गया था कि घर घर जाकर आप कचरा उठाएंगे, जब वो वहाँ पर आते थे, घरों में घुसते थे, तो वो हिंदी नहीं बोल पाते थे और यहीं से शक जो था वो गहरा होता गया। लोगों का कहना है कि रोहिंग्या हैं, लोगों का कहना है ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं और इन्हीं की वजह से हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर सत्यापन जरूरी है, एक बड़ी नीति लानी चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए, मामला सिर्फ अवैध निर्माण या अवैध मस्जिद तक नहीं है, बल्कि ये मामला घुसपैठियों तक का है, बल्कि मामला कहीं ना कहीं सुरक्षा का है, बल्कि ये मामला कहीं ना कहीं खतरे का है और इसीलिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे में क्या आगे कदम उठाती है।